प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 16वें अध्याय के विषय में। सद्गुरु सतनाम आदिमाता अलख निरंजन होवहु वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ खोडशो अध्याय। शीर्षक भुवन कोष का वर्णन। तो आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि मुनिवर, जहाँ तक सूर्य का प्रकाश है और जहाँ तक तारागढ़ के सहित चंद्रदेव दिख पड़ते हैं, वहाँ तक आपने भूमंडल का विस्तार बतलाया है। उसमें भी आपने बतलाया है कि महाराज प्रियव्रत के रथ पहियों की 7 लीकों से 7 समुद्र बन गए थे, जिनके कारण इस भूमंडल में 7 द्वीपों का विभाग हुआ है। अतः भगवान, अब मैं इन सबका परिणाम और लक्षणों के सहित पूरा विवरण जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो मन भगवान के इस गुणमय स्थूल विग्रह में लग सकता है, उसी का उनके वासुदेव संगज्ञ स्वयं प्रकाश निर्गुण ब्रह्मारूप सूक्ष्मतम स्वरूप में भी लगना संभव है। अतः गुरुवर, इस विषय का विशद रूप से वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, भगवान की माया के गुणों का इतना विस्तार है कि यदि कोई पुरुष देवताओं के समान आयु पा ले तो भी मन या वाणी से इसका अंत नहीं पा सकता। इसीलिए हम नाम रूप परिणाम और लक्षणों के द्वारा मुख्य मुख्य बातों को लेकर इस भूमंडल की विशेषताओं का वर्णन करेंगे। यह जम्बू द्वीप जिसमें हम रहते हैं, भूमंडल रूप कमल के कोसा स्थानीय जो 7 द्वीप है उनमें सबसे भीतर का कोस है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है और यह कमल पत्र के समान गोलाकार है। इसमें 9,000 योजन विस्तार वाले 9 वर्ष हैं, जो इसकी सीमाओं का विभाग करने वाले 8 पर्वतों से बटे हुए हैं। इनके बीचों बीच इलावृत नाम का 10वां वर्ष है, जिसके मध्य में कुल पर्वतों का राज अमेरु पर्वत है। वह मानव भूमंडल रूप कमल की कणिका ही है। वह ऊपर से नीचे तक सारा का सारा सुवर्णमय और 1,00,000 योजन ऊंचा है। उसका विस्तार शिखर पर 32,000 और तलैटी में 16,000 योजन है, तथा 16 अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84 है, तथा 16,000 योजन ही वह भूमि के भीतर घुसा हुआ है, अर्थात भूमि के बाहर उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। इलावृत के वर्ष उत्तर में क्रमशः नील, श्वेत और श्रृंगवान नाम के 3 पर्वत हैं, जो रमक्य, हिरणमय और कुरु नाम के वर्षों की सीमा बांधते हैं। वे पूर्व से पश्चिम तक खारे पानी के समुद्र तक फैले हुए हैं। उनमें से प्रत्येक की चौड़ाई 2,000 योजन है, तथा लंबाई में पहले की अपेक्षा पिछला क्रमशः 10 मास से कुछ अधिक कम है। चौड़ाई और ऊंचाई तो सभी की समान है। इसी प्रकार इलावृत के दक्षिण की ओर एक के बाद एक निषेध हेमकूट, हिमालय नाम के 3 पर्वत हैं। नीलाद आदि पर्वतों के समान ये भी पूर्व पश्चिम की ओर फैले हुए हैं और 10,000 योजन ऊंचे हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किम पुरुष, भारतवर्ष की सीमाओं का विभाग होता है। इलावृत के पूर्व और पश्चिम की ओर उत्तर में नील पर्वत और दक्षिण में निषद पर्वत फैले हुए गंधमादन और माल्यवान नामक 2 पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 2,000 योजन है और ये भद्राशव एवं केतुमाल नामक 2 वर्षों की सीमा निश्चित करते हैं। इनके सिवाय मंदर, मेरु मंदर, सुपार्स और कुमुदी, ये 4 10,000 योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े पर्वत मेरु पर्वत की आधारभूता थूनियों के समान बने हुए हैं। इन चारों के ऊपर इनकी ध्वजाओं के समान क्रमशः आम, जामुन, कदम और बड़के के 4 पेड़ हैं। इनमें से क्रमशः प्रत्येक 1,100 योजन ऊंचा है और इतना ही सांख्याओं का विस्तार है। इनकी मोटाई 100 योजन है। भरत श्रेष्ठ, इन पर्वतों पर 4 सरोवर भी हैं, जो क्रमशः दूध, मधु, ईख के रस और मीठे जल से भरे हुए हैं। इनका सेवन करने वाले यक्ष, किन्नर आदि उपदेवों को स्वभाव से ही योग सिद्धियां प्राप्त है। इन पर क्रमशः नंदन, चैत्ररथ, ब्रह्माजक, सर्वतोभद्र नाम के 4 दिव्य उपवन भी हैं। इनमें प्रधान प्रधान देवगण अनेकों सुर सुंदरियों के नायक बनकर साथ साथ विहार करते हैं। उस समय गंधर्व आदि उपदेशगण इनकी महिमा का बखान किया करते हैं। मंदराचल की गोद में
जो 1100 योजन ऊंचा देवताओं का आम वृक्ष है, उसे गिरी शिखर के समान बड़े बड़े और अमृत के समान स्वादिष्ट फल गिरते हैं। वे जब फटते हैं तब उनमें बड़ा सुगंधित और मीठा लाल लाल रस बहने लगता है। वही अरुणा नाम की नदी में परिणित हो जाता है। यह नदी मंदराचल के शिखर से गिरकर अपने जल के इलावृत वर्ष के पूर्वी भाग को सींचती है। श्री पार्वती जी की अनुचरी यक्ष पत्नियां इस जल का सेवन करती हैं। इससे उनके अंगों से ऐसी सुगंध निकलती है कि स्पर्श करके बहने वाली वायु उनसे चारों ओर 10-10 योजन तक सारे देश को सुगंध से भर देती है। इसी प्रकार जामुन के वृक्ष से हाथी के समान बड़े बड़े प्रायः बिना गुठली के फल गिरते हैं। बहुत ऊंचे से गिरने के कारण वे फट जाते हैं। उनके रस से जम्बू नाम की नदी प्रकट होती है, जो मेरु मंदर पर्वत के 10,000 योजन ऊंचे शिखर से गिरकर इलावृत के दक्षिणी भूभाग को सींचती है। उस नदी के दोनों किनारों मिट्टी उस रस से भीग कर जब वायु और सूर्य के संयोग से सूख जाती है, तब वही देवलोक को विभूषित करने वाला जम्बूनाद नाम का सोना बन जाता है। इसे देवता और गंधर्व आदि अपनी तरुणी स्त्रियों के सहित मुकुट, कंगन और करधनी आदि आभूषणों के रूप में धारण करते हैं। सुपार्श्व पर्वत पर जो विशाल कदंब वृक्ष है, उसके 5 कटोरों से मधु की 5 धाराएं निकलती हैं। उनकी मोटाई 5 कुर्से जितनी है। ये सुपार्श्व वर्ष के शिखर से गिरकर इलावृत वर्ष के पश्चिमी भाग को अपनी सुगंध से सुवासित करती है। जो लोग इनका मधुपान करते हैं, उनके मुख से निकली हुई वायु अपने चारों ओर 100-100 योजन तक इसकी महक फैला देती है। इसी प्रकार कुमुद पर्वत पर जो सतवल्स नाम का कटवृक्ष है, उसके जटाओं से नीचे की ओर बहने वाली अनेक नद निकलते हैं। वे सब इच्छा अनुसार भोग देने वाले हैं। उनसे दूध, दही, मधु, घृत, गुड़, अन्न, वस्त्र, सया, आसन, आभूषण आदि सभी पदार्थ मिल सकते हैं। ये सब कुमुद के शिखर से गिरकर इलावृत के उत्तरी भाग को सींचते हैं। इनके दिए हुए पदार्थों का उपभोग करने से वहाँ की प्रजा की त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाना, बाल पक जाना, थकान होना, शरीर में पसीना आना तथा दुर्गंध निकलना, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, सर्दी, गर्मी की पीड़ा, शरीर का कांतिहीन हो जाना तथा अंगों का टूटना आदि कष्ट कभी नहीं सताते और उन्हें जीवन पर्यंत पूरा पूरा सुख प्राप्त होता है। राजन, कमल की कड़िका के चारों ओर जैसे केसर होता है, उसी प्रकार मेरु के मूल देश उसके चारों ओर कुरंग, कुरर, कुसुम्ब, बैकंक, त्रिकुट, शिरीर, पतंग, रचक, निषद, श्रीनिवास, कपिल, शंख, बैदूर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर, नारद आदि 20 पर्वत और भी हैं। इनके सिवाय मेरु के पूर्व की ओर जठर और देवकुट नाम के 2 पर्वत हैं, जो 18,000 योजन लंबे और 2,000 योजन चौड़े और ऊंचे हैं। इसी प्रकार पश्चिम की ओर पवन और पारियात्र, दक्षिण की ओर कैलाश और करवीर तथा उत्तर की ओर त्रिशंग और मकर नाम के पर्वत हैं। इन 8 पहाड़ों के चारों ओर घिरा हुआ सुवर्णगिरी मेरु अग्नि के समान जगमगाता रहता है। कहते हैं कि मेरु के शिखर पर बीचों बीच भगवान ब्रह्मा जी की सुवर्णमयी पुरी है, जो आकार में सम चौरस तथा करोड़ योजन विस्तार वाली है। उसके नीचे पूर्व आदि 8 दिशा और उप दिशाओं में उसके अधिपति इंद्र आदि 8 लोकपालों की 8 पुरियां हैं। वे अपने अपने स्वामी के अनुरूप उन्हीं उन्हीं दिशाओं में तथा परिणाम में ब्रह्मा जी की पुरी से चौथाई हैं। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 5 स्कंद का 16वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक वर्णन यूं ही सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये अध्याय आप सभी को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।